थैंक यू अंकल, शलोम सभी को. थैंक यू अंकल चंद्रा, अंकल कूपर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एक बार फिर से आप लोग के सामने बोलने के लिए. और मेरी एक टेस्टिमनी है, छोटी सी है. पिछले दिनों में मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी और आप लोगों ने प्रार्थना किया उनके लिए. अभी वो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने थैंक यू बोला आप सभी को. वो बिल्कुल ठीक है और कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं है. सो आप सबको थैंक यू और आपने प्रार्थना किया. और आज का जो वचन है मैं जो आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ वो मेरी वो है फर्स्ट किंग, पहला राजा, उसका 18 का 20 से लेके 30 तक मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ. पहला राजा फर्स्ट किंग 18:20-30. तब अहाब ने सारे इसराइलियों को बुलवा भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो. लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात नहीं कही. तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से मैं ही अकेला रह गया हूँ और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं, इसलिए दो बछड़े लाकर हमें दिए जाएं और वे एक अपने लिए चुनकर उसके टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दें और कुछ आग ना लगाएं, और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग नहीं लगाऊंगा. तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे. तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात. और एलिया ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो क्योंकि तुम तो बहुत हो, तब अपने देवता से प्रार्थना करना परंतु आग न लगाना. तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया था लेकर तैयार किया और भोर से लेकर दोपहर तक वो ये कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन, परंतु कोई शब्द और ना कोई उत्तर देने वाला हुआ. तब वे अपनी बनाई हुई बेदी पर उछलने कूदने लगे. दोपहर को एलिया ने कहकर उनका ठट्टा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, वो तो देवता है, वो तो ध्यान लगाए होगा या कहीं गया होगा या यात्रा में होगा या हो सकता है कि सोता हो और उसे जगाना चाहिए. उन्होंने बड़े शब्द से पुकार पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बर्चियों से अपने अपने आप को यहाँ तक घायल किया कि लहू लुहान हो गए. वे दोपहर भरी क्या वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे परंतु कोई शब्द सुन ना पड़ा और ना तो किसी ने उत्तर दिया और ना कान लगाया. तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए. तब उसने यहोवा की वेदी जो गिराई गई थी मरम्मत की. आमीन. मैं जो शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि हाँ, हम सब जानते हैं कि ये कहानी कहाँ की है. और उस समय अकाल पड़ा हुआ था देश में और 3.5 साल तक बारिश नहीं हुआ था वहाँ पे. और जो एलिया है और वो टाइम था कि परमेश्वर ने एलिया को बोला कि जाके अपने आप को राजा को दिखाओ और मैं बारिश करूँगा. लेकिन जब वो एलिया वहाँ पे गया तो हम ये पीछे बैकग्राउंड, क्योंकि वो बहुत बड़ा 18 chapter, इसलिए मैं नहीं पढ़ रही. मेरा जो मेन मैं पढ़ना चाहती थी वो ये है कि वहाँ पे दो तरह के लोग, एक परमेश्वर के मानने वाले और एक बाल के पुजारी थे. लेकिन जब एलिया वहाँ पे बोलता है कि यहोवा के नबियों में मैं अकेला खड़ा हूँ यहाँ पे, और जो बाल के पुजारी थे वो 450 लोग थे, और एलिया कहता है कि ठीक है, क्योंकि वहां के लोग ना उनको वो परमेश्वर के बारे में कुछ बोल रहे थे ना दूसरी बात के बारे में. तो एलिया कहता है ठीक है, एक काम करो, तुम ऐसे ऐसे तैयार करो, दो बछड़े दिए जाएं और ये जैसे मैंने आपके सामने पढ़ा, और जो परमेश्वर है वो आग गिराकर उत्तर देगा, यानी जो परमेश्वर है वही उत्तर देगा. और इस तरह से एलिया कहता है. और हम देखते हैं कि बाल के पुजारी जो होते वो 450 होते, और वो लोग सुबह से लेके दोपहर से लेके पूरे समय वो चिल्लाते हैं कि हमारी सुन, हमारी सुन, पर उनको कोई उत्तर देने वाला नहीं होता. और लिखा है कि ना तो कोई शब्द सुन पड़ा और ना ही जो है कोई उत्तर मिला उनको, और यहाँ तक कि उन्होंने अपने आप को घायल किया कि मतलब खून भाया कि शायद से हमारी सुन ली जाए. लेकिन हम देखते हैं कि कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ा. तब एलिया कहता है कि अब मेरी बारी है. अब वहां पे वो कहता है, सब लोगों से कहता है मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए, और उसने यहोवा की वेदी जो गिराई गई थी उसकी मरम्मत की. ये वर्स है कि यहोवा की जो वेदी थी जो गिराई गई थी, एलिया ने पहले उसकी मरम्मत की. जो ऑल्टर है, हम देखते हैं कि पूरी बाइबल में जो ऑल्टर है वो
परमेश्वर से मिलने का स्थान है जहाँ पे हम प्रभु से मिलते हैं। और अभी जो पहले जब जब कभी भी उनको कुछ चढ़ाना होता था होम बलि या जो परमेश्वर के सामने देना होता था, तो वो लोग क्या करते थे कि वो ऑल्टर बनाते थे और फिर उस पर अर्पण करते थे परमेश्वर के लिए। पर अब जो है बाइबल फर्स्ट कुरिन्थियन 3:16 में लिखा है कि हम परमेश्वर का मंदिर है, वी आर द लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड। और अब जो है हम परमेश्वर का वो स्थान है, वो ऑल्टर है। हालेलुया, हम परमेश्वर को वो ऑल्टर बनाया है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वो वेदी जो थी वो गिराई गई थी और एलिया ने पहले उसकी मरम्मत, उसको रिपेयर किया। और ये बात जो है, जब मैं ये वचन पढ़ रही थी तो मैं यहाँ पे रुकी और मैंने कहा कि उसने जो है उसको विश्वास पूरा था कि वो प्रार्थना करेगा और सुना जाएगा, क्योंकि हम ऊपर देखते हैं उसको बहुत कॉन्फिडेंस था। 27 वर्स जब मैं पढ़ती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है कि पुकारो पुकारो, वो तो देवता है, सुनेगा, या सो रहा होगा उसको जगाओ, या यात्रा में गया होगा, या वो मजाक बनाता है, मतलब कि क्योंकि उसको मालूम है कि कोई और परमेश्वर नहीं है, जो जिस परमेश्वर की वो आराधना करता है वही परमेश्वर है। और वहां पे लिखा है कि वो उसने पहले वेदी की मरम्मत की, उसने ऑल्टर को रिपेयर किया। मैं और आप जो है वो परमेश्वर का ऑल्टर है, परमेश्वर का मिलने का स्थान है, है ना। हम जानते हैं कि जब हम लोग पिछले दिनों में जब हम लोग ये फीस्ट और ये सब मना रहे थे, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो, जैसे भैया शेयर करते कि मौत करके एक वर्ड, मतलब परमेश्वर जो है वो अपॉइंटमेंट फिक्स करते थे लोगों से मिलने के लिए। मतलब उनको कितना इंटरेस्ट है हमसे मिलना, हमसे बात करना, हमारी बात सुनना, अपनी बात कहना। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि उसने वेदी जो गिराई गई थी उसकी मरम्मत की, उसको पहले रिपेयर किया। और फिर हम देखते हैं कि जो आगे जब हम देखते हैं कि 37 वर्स में हम देखते हैं, जब 37 वर्स में वो वहां पे तब प्रार्थना करता है, हे यहोवा मेरी सुन कि लोग जान ले कि यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। उसने तुरंत आके प्रार्थना नहीं किया, पर उसने देखा कि वो वेदी जो है वो गिराई गई है। मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि कई बार हमारे जीवन में जो है जो हमारे हमारा जो ऑल्टर है, हमारा जो मन है ना, हमारा जो दिल है, वो कई बार जो है वो गिरा होता है, मतलब कि वो टूट फूट जाता है कई बार कुछ चीजों, कई बार हमारी इमोशंस से, कई बार जो है हमारे बिहेवियर से, हमारी एक्टिविटीज से, हो सकता है बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं तो इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले हम अपनी वेदी की मरम्मत करें, पहले हम अपना वेदी प्रिपेयर करें, पहले हम बिल्कुल ऐसे परमेश्वर के सामने नहीं बैठ सकते कि हम कुछ भी कर ले और फिर हम प्रभु के सामने आके प्रार्थना कर सकते। हाँ, मैं जानती हूँ कि आप सब मुझसे बड़े हैं और आप सब ये बातें जानते हैं, पर कुछ चीजें थी जो मैं ये शेयर करना चाहती थी कि कितना इम्पोर्टेंट है कि हमको अपनी वेदी का ख्याल रखना है, जो हमारा वेदी है, जो परमेश्वर से मिलने की जगह है, हमको उसका ख्याल रखना। और वर्स 37 कहता है कि वो प्रार्थना कर रहा है, यहोवा मेरी सुन कि लोग जान लें कि यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लाता है। फिर 38 में कहता है, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया और गड़े का जल भी सुखा दिया। ये देखकर सब लोग मुंह के बल गिरे और उन्होंने कहा, यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। और जो परमेश्वर का प्रेजेंस लाना था कर्मेल पर्वत पे, वहां पे 450 लोग एक तरफ थे, एलिया एक तरफ था। एलिया अकेला पर्सन था जिसने परमेश्वर की उपस्थिति को वहां पे उतारा, लेकिन पहले उसने वेदी को रिपेयर किया। रिपेयर करना कितना इम्पोर्टेंट है। उसने वो चीज नोटिस किया कि मुझे जो है ये वेदी जो है वो गिर गई है और मुझे पहले इसको बनाना है। तब लिखा है, तब उसने प्रार्थना, उसने पहले पूरा प्रिपेयर किया, जो जो प्रोसेस था उसने फॉलो किया और फिर उसने प्रार्थना किया। और यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि जैसे उन लोग के बारे में लिखा था कि वो सुबह से लेकर दोपहर तक बस चिल्ला रहे थे कि जो है हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन, लेकिन कोई शब्द नहीं आया। लेकिन जब एलिया प्रार्थना करता है यहाँ पे वो अल्टर को रिपेयर करने के बाद, तो बाइबल कहती है कि यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और पूरा लकड़ी और होमबली और सब कुछ जला दिया। प्रेजेंस जो है परमेश्वर का एलिया ने उतार लिया वहां उस जगह पे, उस कर्मेल की पर्वत पे, उन लोगों के सामने। और वो इसलिए क्योंकि एक तो उसको भरोसा था, उसको अपने परमेश्वर पे पूरा विश्वास था, दूसरा वो जो है
उसको उसको मालूम था कि जो है वो बहुत मतलब उस ऑब्जर्वेशन उस समय उसका रहा होगा, वो सब चीजें देख रहा होगा, वो कॉन्फिडेंस था उसको, लेकिन उसने उसमें भी उस चीज को ध्यान रखा कि मुझे पहले कैसे 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 चीजों को करना है। और फिर लिखा है कि परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे आई और लोग जो है वो मुंह के बल गिरे और उन्होंने उन्होंने कहा यहोवा ही परमेश्वर है, हम मान गए। इसके पहले वो लोगों से कहता है तुम कब तक दो दो चीजों में लटके रहोगे, या तो बाल के पीछे चले जाओ या तो परमेश्वर के पीछे आ जाओ, लेकिन लोग कुछ बोल नहीं रहते। लिखा है कि उन्होंने एक शब्द भी वहां पे नहीं बोला, लेकिन जब यहाँ पे वो देखते हैं, जब वो आश्चर्यक्रम देखते हैं और प्रार्थना जब आंसर की जाती है, तब वो कहते हैं कि यहोवा ही परमेश्वर है, मैं और आप जो परमेश्वर का वेदी है, हम जो परमेश्वर की मिलने का स्थान है, हम जो परमेश्वर की उपस्थिति को उतार के लाते हैं, हम लोग इतने इम्पोर्टेंट हैं कि जो है लोग हमारे और आपके जीवन के द्वारा देख के कह सकते हैं कि यहोवा ही परमेश्वर है, आमीन। और यहाँ पे लिखा है कि वो कहता है कि जब वो वेदी बना रहा होगा, जब वो लोग देख वो लोग अपना कुछ कर रहे होंगे, तो ये भी अपना सब चीजों को नोटिस कर रहा होगा, शायद से वो प्रार्थना कर रहा होगा मन ही मन में कि जब मैं ऐसा करूंगा तो प्रभु आप मेरी प्रार्थना का उत्तर देना। और फिर उसने तब तक देखा कि वेदी जो गिरी है, हमारे जीवन में कई बार जो है हमको पता ही नहीं होता है कि कहाँ से हम लोग गिर चुके हैं या कहाँ से हमको रिपेयर करने की जरूरत। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, यह हर दिन का प्रोसेस है कि हम अपना ऑल्टर जो है हर दिन हम सुधारें, तब परमेश्वर मिलेगा। पहले तो परमेश्वर मिलेगा, फिर दूसरे लोग देख पाएंगे कि जो है यहोवा ही परमेश्वर है, वही जीवित परमेश्वर, यीशुआ ही परमेश्वर है। उसके लिए पहले जो है वो वेदी जो है वो हर दिन हमको देखते रहना है कि हमारी वेदी कहीं से गिरी तो नहीं है। हमारे मन में हम सब हम जानते हैं कि हमारे इमोशंस इम्पॉर्टेंट है परमेश्वर के सामने, हमारा जो लाइफ स्टाइल है प्रभु के सामने वो भी इम्पॉर्टेंट है, हमारा हर दिन का उठना चलना बैठना खाना पीना एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसके विषय में परमेश्वर ने हमसे कहा है। तो जब हम लोग इस चीज को जब हम हर दिन इस चीज को देखेंगे ना, इस चीज के प्रति सेंसिटिव रहेंगे कि हमारी ये जो वेदी है जो जिसपे हम परमेश्वर से मिलते हैं, जो ऑल्टर है, वो कहीं से गिर तो नहीं गई है, किसी से हमारा रिलेशनशिप खराब तो नहीं हो गया, या किसी कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ खराब हुआ, वो वेदी जो है वो ठीक तो है ना, क्योंकि वी आर द टेम्पल, हम वो मंदिर है जहाँ प्रभु हमसे मिलता, जहाँ प्रभु मिलता नहीं जहाँ रहता है परमेश्वर। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती कई बार कि हम जो है वो परमेश्वर के प्रेजेंस को कैरी करते हैं। आप सोचिए कि मतलब जो सारी सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर है, जो अद्भुत है, मतलब हम वर्ड्स में भी नहीं बता सकते, वो हमारे अंदर है और हम जब चलते होंगे तो वो चलता है, हम जब बैठते हैं तो वो बैठता है, और मतलब वो हमारे अंदर रहता है। और वो और यहाँ पे कंडीशन थी कि मतलब वो कंडीशन ये थी कि वो जो वेदी है वो ऑल्टर है वो जो रिपेयर होना चाहिए, मतलब ऑल्टर सही होना चाहिए। और लिखा है कि और हम देख सकते हैं कि ये एवरी डे का प्रोसेस है। मैं जो हम लोग बहने हैं यहाँ पे, मैं आपसे पूछती हूँ, आज जब मैं डस्टिंग कर रही थी सुबह, तो बस मेरे मन में एक बात आई कि कहाँ से आता है इतना डस्ट, जबकि सारे विंडो भी बंद रहते हैं, फिर भी पता नहीं कहाँ से आ जाता है। और जब मैं झाड़ रही थी तो बहुत डस्ट जमा हुआ था, जबकि मैं ऑलमोस्ट रोज ही क्लीन करती हूँ, तो कोने में डस्ट जमा रहता है, तो मैं सोच रही थी कहाँ से आता है इतना डस्ट। एकदम से मेरे मन में आया, ऐसे ही हमारे मन के अंदर भी जम जाता होगा, हमको पता भी नहीं चलता कई बार कि हमारे मन के अंदर जो है वो डस्ट जमा है, हमारे मन के अंदर जो है कहीं ना कहीं कुछ हो गया है, हमको पता भी नहीं चलता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने अपने आप को रखते हैं, और हम कई बार कहते हैं कि कई बार हम जानते हैं कि कहाँ हमने किया है गलती, और कई बार हम लोग नहीं जानते, अनजाने में हो जाता है, कई बार वर्ड्स में हो जाता है, कई बार जो हमारे साथ रहते हैं वो उनके वो होता है। तो लेकिन हम कितने केयरफुल हैं, क्योंकि मैं इस चीज पे बिलीव करती हूँ और मैं इस चीज को एक्सपीरियंस करती हूँ कि पवित्र आत्मा जो है वो हमको हर समय बताता है। ऐसा कोई दिन नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं है कि जब पवित्र आत्मा हमको ना बताए कि तुमने ऐसे किया है। और यस, जब हम कहते हैं हाँ ऐसा किया है मैंने, तब वहीं पे हम जब माफी मांगते हैं, वो जो डस्ट है जहाँ शायद से वो वेदी जो ऑल्टर है जो थोड़ा टूट जाने वाला होगा, वो ठीक हो जाता है, रिपेयर हो जाता है। कितना इम्पोर्टेंट है हमारा हर दिन का जीवन, कितना इम्पोर्टेंट। शायद से हम हो सकता है कि कई बार हम लोग रोज बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं, हो सकता है कि कई बार जो है हम रोज आराधना नहीं कर पाते, बट जो हमारा जो लाइफ स्टाइल है ना, जो हमारा
क्योंकि मैं सोचती हूँ कि बाइबल पढ़ना जो है वो एक टाइम नहीं, पर वो हमारा लाइफस्टाइल, मतलब वचन को अपने जीवन में लेके चलना, वो हमारा जीवन का तरीका और जीवन शैली होनी चाहिए। वचन पढ़े तभी ना हमको याद आए, लेकिन हमको याद रहे बस। और ये जो है परमेश्वर चाहता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम दूध पीते बच्चे ना रहो, परंतु अन्न खाने वाले सयानों के समान हो जाओ। मतलब कि हम एक्सपेक्ट करते हैं ना, जितनी मम्मी लोग हैं एक्सपेक्ट करते हैं ना कि हर दिन आपका बच्चा जब ग्रो कर रहा है तो वो अच्छे से जो है वो बिहेव भी करे, जो हम लोग कहें वो समझे और चीजों को ले और वो उसके अकॉर्डिंग करे, है ना। मतलब हम अपने बच्चों को बढ़ते हुए और एक्टिविटीज करते हुए और दूसरी चीजें करते हुए देखना चाहते हैं, है ना। वो स्मार्ट रहे ऐसा हम लोग चाहते हैं, तो वो मतलब कि वो स्मार्ट बने। तो ऐसे ही हमारा परमेश्वर है, मतलब वो चाहता है कि हर समय, मतलब कि हम लोग उस चीज को सुने समझें और उसके अकॉर्डिंग करें। और ये जो ऑल्टर है, अगर ये गिर गया तो मैं सोचती हूँ कि अगर हम कुछ भी कह लें, वहां पे वो 450 लोग जो है सुबह से लेके पता नहीं कब तक चिल्ला रहे थे, पर वहां पे एक शब्द सुनाई नहीं पड़ा, क्योंकि जिससे जिसको जिसको वो पुकार रहे थे, वो उसके ना तो कान है ना तो वो आंसर कर सकता है। और वो चिल्लाने वाले भी ऐसे थे और जिसके लिए चिल्ला रहे थे वो भी ऐसे ही था। बट हमारा परमेश्वर, यहाँ पे लिखा है कि एलिया ने एक बार प्रार्थना किया, हे यहोवा मेरी सुन, कि लोग जान ले कि तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। और तब लिखा है, तब यहोवा की आग जो है वो गिरी, है ना। प्रेजेंस आया परमेश्वर का, 1%, 450 और 1%। क्या आप बिलीव करते हो कि मैं अकेले काफी हूं परमेश्वर की उपस्थिति को लाने के लिए? मैं मैन बिलीव मैन करती यस हूँ, है ना, कि चाहे 450 हजार लोगों, लेकिन अगर परमेश्वर मेरे अंदर है, मैं परमेश्वर के प्रेजेंस को कैरी करती हूँ, तो वो काफी है। लेकिन उसके लिए एक बात है कि जो वेदी है, जो ऑल्टर है, वो गिरा हुआ नहीं होना चाहिए। वो हर दिन रिपेयर रहना चाहिए, हर दिन जो है वो अच्छा होना चाहिए। हालेलुया हमारे परमेश्वर को जो है वो गिरी विरी चीजें और उल्टी पुल्टी और बेकार की चीजें पसंद नहीं है। मतलब कि क्योंकि शुरू से अगर आप देखिए लेविटिकस एंड सब चीजें, तो बहुत सिस्टमैटिक परमेश्वर ने सब चीजें दी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं पढ़ती हूँ कि वो कर्टेन ऐसा चाहिए उनको और टेबल ऐसा चाहिए, तो मैं सोचती हूँ कि परमेश्वर को डेकोरेशन में कितना इंटरेस्ट है ना। हमको अच्छा लगता है ना जब हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं, परमेश्वर को अच्छा लगता है जब हम डेकोरेटेड रहते हैं ना, तो परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। और वो यही है, और छोटी छोटी बातें हैं जो कई बार हमारे जीवन में इन चीजों को बिगाड़ देती, वो मैं आपके सामने रखती हूँ। और ये मेरा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो कि बहुत सालों पहले का है, और वो मैं आपके सामने शेयर करती हूँ कि हम लोग पहले पढ़ लेंगे सॉन्ग ऑफ सॉन्ग में 2:16। मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ बुक जो है वो सॉन्ग ऑफ सॉन्ग, उसका 2, उसका 16 वर्स जो है, 15 वर्स जो कहता है, कैच फॉर अस द फॉक्सेस, द लिटिल फॉक्सेस दैट रुइन द विनियार्ड्स आर विनियार्ड्स दैट आर इन ब्लूम। और हिंदी में ऐसे है कि उन छोटी लोमड़ियों को पकड़ ले जो दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं, हमारी दाख की बारी में फूल लगे हैं, है ना। आपने वो कहानी सुनी कि जो एक अंगूर और खट्टे अंगूर और लोमड़ी वाली, पता नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन यूपी में ये हमको बहुत सुनाई गई। तो ऐसा था कि एक लोमड़ी होती है और वो दाख की बारी में जाती, यानी अंगूर के गार्डन में, और अंगूर बहुत ऊंचे होते हैं तो बहुत जम करती है, पर उसको नहीं मिलता है। तो वो जो नीचे जब जम करती है, वो नीचे पूरा बिगाड़ देती है वो, और वो बाद में बोलती है अंगूर खट्टे हैं, लेकिन वो नीचे पूरा खराब कर देती है। तो वैसे ही यहाँ पे लिखा है कि, वैसे ही नहीं, मैंने जस्ट आपको एक छोटा स्टोरी जो कि बचपन का था वो सुनाया जाता था, वो यहाँ पे ऐसे लिखा है कि कैच फॉर अस द फॉक्सेस, द लिटिल फॉक्सेस, है ना। बड़ी बड़ी फॉक्सेस नहीं, छोटी छोटी फॉक्सेस जो कि दाख की बारी में घुस गई हैं, वो तुम्हारी दाख की बारी को बिगाड़ रही है क्योंकि उसमें फूल लगे। और क्या है ये लिटिल फॉक्सेस? और ये बहुत साल पहले जो मेरी आंटी हैं, जो मेंटोर हैं, स्नेहलता डेविड, और वो बाइबल स्टडी ले रही थी और उन्होंने ये बात शेयर की थी, और ये बहुत शायद से 7-8 साल पुरानी बात है। और जब वो बाइबल स्टडी पे शेयर कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम लोग जो है वो मतलब कि कोई बहुत बड़ा गुनाह करेंगे नहीं, क्योंकि उसके लिए हम लोग जल्दी नहीं करते, शायद से हम चोरी नहीं करेंगे और मर्डर नहीं करेंगे, बट जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, वो हम लोग
बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं और वो हमारे अंदर रह जाती है और उसके लिए हम लोग यूज टू हो जाते हैं। और एक बार उन्होंने, मैं उनके साथ काम करती थी और मैगजीन में उनके मैंने काम किया है, तो मैं घर से निकली और मुझे था, तो उन्होंने मुझे दो बार फोन किया और मैंने नहीं उठाया डर के मारे क्योंकि मैं घर से निकली नहीं थी। तो उन्होंने फिर तीसरी बार जब उन्होंने फोन किया तो मैं घर में ही थी, पर मैं जब उन्होंने कहा कि बेटा तुम निकल गई, मैंने कहा हाँ आंटी बस में निकल गई, और मैं निकली नहीं थी, और मैंने कहा हाँ आंटी बस में निकल गई, मैं बस थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ, और 15 मिनट लगता था 20 मिनट उनके घर पहुंचने में। तो जब मैं घर उनके पहुंची तो आधा घंटा हो गया था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जब मैंने आपको फोन किया था तो आप निकल गए थे, मैंने कहा मैं थोड़ा रुकी क्योंकि मैं निकली नहीं थी, तो उन्होंने उन्होंने कुछ बोला नहीं, उन्होंने बाद में उन्होंने मुझे जब ये शेयर कर रहे थे तब उन्होंने समझाया। कई बार ये छोटी छोटी बातें होती ना, जैसे हम लोग घर में रहते हैं और हमको हम निकले नहीं लेकिन हम कहते हाँ हाँ आगे रोड के कोने में खड़े कॉर्नर पे बस पहुंच गए, लेकिन होते हम घर में ही है, ये हम नहीं कर सकते। ये लिटिल फॉक्स है जो कि हमारी दाग की बारी को, हमारे ऑल्टर को बिगाड़ती है। और कई बार जो है ऑफिस लेट पहुंचे और हम घर में किसी रीजन से लेट हो जाते हैं, लेकिन हम कहते हैं हाँ बड़ा ट्रैफिक था, नहीं था ट्रैफिक, घर में लेट हो गए, लेट में सो के उठे, ओके हम डांट खा सकते हैं, हमारा लॉस हो सकता है, बट दीज आर द लिटिल फॉक्सेस वी हैव टू कैच इट। जो हमको अपने जीवन में ये देखना है कि हम कहाँ छोटी छोटी लोमड़ियों को स्थान देते, क्योंकि यहाँ पे सुलेमान लिखता है कि पकड़ ले उनको क्योंकि वो बिगाड़ रही है। जो फूल जो है लगे हुए हैं वो नीचे नीचे हैं और शायद से वो बिगाड़ देंगी उनको। और मैं आपको एक और जो है दे सकती हूँ एग्जाम्पल कि मैंने उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा है, मतलब मैं उनके साथ रही और सीख पाई। और एक बार वो नोट काउंट कर रही थी और जो है उसमें से 500 का नोट जो है वो फट गया था और उसके ऊपर वो पूरा चांदी का जो तार होता ना वैसे दिख रहा था, तो उन्होंने साइड में रख दिया। तो मैंने उनसे कहा कि आंटी चल जाएगा ना ये, आप ले लो इसको भी, मैं उनके साथ कहीं जा रही थी। उन्होंने कहा नहीं बेटा वो नोट फट गया है वो नहीं चलेगा। मैंने कहा अरे आप उसको दे दीजिएगा ना, आप दे दीजिए नोट, इतने सारे नोट देंगी उसमें। उन्होंने कहा नहीं, कभी भी जो फटा नोट है तो उसको नोटों के बीच में रख के नहीं चलाने का, हम तो छुपा के उसको दे रहे हैं ना। और ये सब बातें हो सकता है आप लोग जानते होंगे, लेकिन मैं ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और उन्होंने मुझे बोला कि कभी भी नहीं, चाहे वो 500 का नोट हो चाहे 1000 का नोट हो, तब तो 2000 का पता नहीं आया था कि नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं कभी भी नोट के बीच में रख के नहीं देने का और कभी भी झूठ नहीं बोलने का। अगर फटा नोट होता तो सब नोटों के बीच में रख के दे दो चल जाएगा, उसको क्या पता है किसने दिया, नहीं पर आपने तो दिया ना, प्रभु तो आपको देख रहे हैं ना। मैंने कहा यस, और ये बात मुझे कभी पता नहीं थी। और मैं मतलब कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये इतनी छोटी छोटी सी बात पे हम लोग कभी ध्यान ही नहीं देते, लेकिन ये लिटिल फॉक्सेस है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी मैं नोट फटा होता ना, मैं दुकानदार को बोल के देती भैया नोट फटा है, अगर नहीं चले तो मेरे को वापस दे देना, आप लिख लो। और या कहीं दूर जाती तो मैं फिर देती नहीं हूँ क्योंकि वो थोड़ा ना रिटर्न कर पाएगा मुझे। तो मतलब कि ये छोटी सी बात है ना, मतलब हम लोग सोचते कि वो तो चला लेंगे ना, हम लोग रख के क्या करेंगे, लेकिन लेकिन हम अगर बता के दे देंगे तो ज्यादा अच्छा है। हो सकता है वो ना लेना चाहता हो या फिर उसका नुकसान हो जाए जब वो नोट ना चले तो, लेकिन परमेश्वर यही जो छोटी छोटी बातें कई बार वो हमारे जीवन में जो है वो हमारे दाग की बारी को, वो हमारे विनयार्ड को बिगाड़ती है। जो डेप्थ परमेश्वर की जो डेप्थनेस होती ना वो हम नहीं जा पाते वहां पे, क्योंकि ये बस गया है हमारे जीवन में, बस जाता है। कई बार हमको लगता है कुछ गलत नहीं है, पर गलत जो है वो है, क्योंकि हमारा बाइबल जो है वो हमको पूरा पवित्रता से रहना सिखाता है। और मैं सोचती हूँ कि हम परफेक्ट तो नहीं है, पर हर दिन हम कोशिश कर सकते हैं प्रभु के अनुग्रह से कि हम लोग चल सके ऐसे, प्रभु हम पे अनुग्रह करे, है ना। और यहाँ पे वो वेदी को बना रहा है, ये जो छोटी छोटी बातें वो हमारे वेदी को बनाती है। और उन्होंने बोला कि ये फॉक्सेस है, तुम आप लिख लीजिए कि आपके लाइफ में क्या क्या छोटी छोटी लोमड़ियां हैं जो कि दाग की बारी को बिगाड़ती है, आप लिस्ट बना लीजिए और जो है उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैं इसको भी पकड़ लेती हूँ, मैं इसको भी पकड़ लेती हूँ, मैं इसको भी पकड़, मेरी इस आदत को मैं पकड़ लेती हूँ, मैं इसको अपने ऊपर राज करने नहीं दूंगी, मैं जो हूँ मैं दास नहीं हूँ। क्योंकि जो कोई किसी बात के अधिकार हो जाता वो उसका दास बन जाता, पर हम तो दास नहीं है, हम तो स्वतंत्र लोग हैं और हम परमेश्वर के लोग हैं। तो मैं यही शेयर करना चाहती थी आपके सामने कि
जो है वेदी जो है ऑल्टर जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है, और वो हर दिन का प्रोसेस है। हर दिन जो है हमको अपने आप को झाड़ के लेना, हर दिन डस्टिंग जरूरी है, और नहीं पता कई बार कहाँ से जम जाती है धूल। हर राख भी जो है लेविटिकस 6:13 अगर मैं गलत नहीं तो वहां पे लिखा है कि जो राख है उसको निकाल के वो तंबू के बाहर लेके जाने का है उसको, मतलब वहां पर राख जो है वो झाड़ देना है, वो जहाँ पे लिखा है वेदी पर अग्नि जलती रहे। तो जो राख जो है ना परमेश्वर को पसंद नहीं है और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में रह जाती है। तो प्रभु चाहते हैं कि अगर जैसे एलिया ने प्रार्थना किया कि हे यहोवा मेरी सुन, कि लोग जान लें कि तू ही परमेश्वर है, और यहोवा की आग गिरी वहां पे एक व्यक्ति सिर्फ, और 450 लोग कोई काम के नहीं थे, पर एक व्यक्ति परमेश्वर के प्रेजेंस को लाने के लिए काफी है। एक व्यक्ति मैं और आप, चाहे हम अकेले हैं छोटे, क्योंकि हम लोग पिछले दिनों में सुन रहे थे जब भैया शेयर कर रहे थे, उन्होंने कहा कि परमेश्वर हमेशा छोटे झुंड में काम करता है, वो छोटे झुंड में ही काम करता है, उनको पसंद है छोटे छोटे झुंड को वो इस्तेमाल करते हैं। और हम जब नोआ के बारे में सुन रहे थे मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि प्रभु ने भी कहा है छोटे झुंड मत डर। तो एक व्यक्ति वहां पे था और एक व्यक्ति की वजह से वहां के सारे लोग जान गए कि ये यहोवा ही परमेश्वर है, वो प्रभु की उपस्थिति को उतार लाया। मैं और आप बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पावरफुल लोग हैं, जब हर दिन हम अपने वेदी को सुधारते हुए प्रभु की उपस्थिति में चलेंगे तो हम जान जाएंगे कि प्रभु जो है, लोग जान जाएंगे हमारे जीवन के द्वारा कि यहोवा ही परमेश्वर है। और एक एक लास्ट वर्स मैं शेयर करूंगी, और एक्ट्स 2 उसका 4, प्रेरितों का काम 2 उसका 4। All, लिखा है यहाँ पे all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them, है ना? और यहाँ पे लिखा है कि जब ये तभी की बात है, पेंटिकॉस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा था, तो वहां पे लिखा है कि as the Spirit enabled them, जैसे आत्मा ने उनको सामर्थ्य दिया। आत्मा ने उनको क्यों सामर्थ्य दिया? क्योंकि वो वहां पे रुके हुए थे। यीशु मसीह जब जा रहे थे स्वर्ग में तो प्रभु ने कहा कि जब तक पवित्र आत्मा ना उतरे तुम ठहरे रहो, आज्ञा मानी उन्होंने और वो ठहरे थे। लिखा है कि वो वहां पे ठहरे थे और वेट कर रहे थे, और वहां पे फिर लिखा है कि होली स्पिरिट इनेबल्ड देम, प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा ने उनको सामर्थ्य दिया कि वो अन्य अन्य भाषा बोले। और फिर हम आगे देखते कि पवित्र आत्मा ने उनको सामर्थ्य दिया कि वो कितने बड़े बड़े काम कर पाए, है ना? क्यों? क्योंकि उन्होंने आज्ञा मानी। और प्रभु हम पे अनुग्रह करे इन आने वाले दिनों में कि हम हर दिन प्रभु की आज्ञा मान सके अपने जीवन में, और हर दिन अपने ऑल्टर को हम प्रभु के सामने सही से रख सके। यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। आमीन। 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 आमीन सिस्टर।